الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين। किताब रियाज़ुस्सालिहीन में पिछली मर्तबा हमने जिस बाब को पढ़ा था उसका उनवान था कि मर्दों के लिए कब्रों की ज़ियारत की पसंदीदगी का बयान, और जब कोई शख्स कब्रिस्तान जाए या मकबरों के पास से गुजरे तो क्या कहे। अब इससे अगला जो बाब है उसका उनवान है बाब कराहियत तमन्नल मौत बिसबबि ज़ुर्रिन नज़ल बिही वला बस बिही लिखौफ़िल फितनति फिद्दीन। कहते हैं तमन्नल मौत, मौत की तमन्ना करने की नापसंदीदगी का बयान, ख़ास तौर पर किसी ऐसे ज़रर की वजह से, तकलीफ़ या परेशानी की वजह से जो इंसान पर नाजिल हो। और कहते हैं कि अगर इंसान को दीन के मामले में फितने का, आजमाइश का, ट्रिब्यूलेशन का अंदेशा हो तो फिर कोई हर्ज नहीं है। अब इमाम नववी अलैहिर्रहमा मुहद्दिस भी हैं, फ़कीह भी हैं, तो बड़े लोग थे, पूरी बात कर देते थे, उनवान ही में उन्होंने पूरी बात कर दी कि मौत की तमन्ना करना पसंदीदा नहीं है, एक सूरत में पसंदीदा नहीं है और एक सूरत में जायज़ है, रवा है। किस सूरत में पसंदीदा नहीं है कि इंसान को पर कोई तकलीफ़ आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, कोई आजमाइश आए और इंसान जो है वो झल्ला कर ये कहे कि मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती, मुझे अल्लाह उठा क्यों नहीं लेता। और एक मामला ये है कि इंसान ये देखे कि खारिज में हालात बहुत सख्त हो रहे हैं, दीनी एतबार से ईमानी ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो रहा है, और बाज़ औक़ात ये खारिज में हालात सबके लिए होते हैं और बाज़ औक़ात कुछ लोगों के लिए कुछ हालात बन जाते हैं, उनको ये लगता है कि अगर वो जीते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी बड़ी आजमाइश का शिकार हो जाएं और अपना दीन ईमान खो बैठें। अब यहाँ पर आगे इमाम जो है वो रिवायात लेकर आ रहे हैं, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यतमन्ना अहदुकुमुल मौत, तुम में से कोई शख्स हरगिज़ मौत की तमन्ना न करे, मौत की आरज़ू न करे। क्यों? दो ही शक्लें होती हैं इंसान की, दो ही हालतें होती हैं, इम्मा मुहसिनन, या तो वो शख्स खूब कार है, अल्लाह को मानने वाला है, नेक आमाल करने वाला है, फ़लअल्लहु यज़दाद, तो शायद उसको मज़ीद ज़िंदगी अगर मिले तो इसका इम्कान ये है कि वो नेकियों में इजाफ़ा करेगा, यानी अपनी नेकियां उसकी बढ़ेंगी। वइम्मा मुसीअन, दूसरा मामला ये हो सकता है कि इंसान बेअमल है, बदअमल है, तो कहा कि अगर वो बेअमल या बदअमल है फ़लअल्लहु यस्तअतिबु, तो हो सकता है कि वो अल्लाह को राज़ी कर ले, कोई उज़र माज़रत कर ले, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। तो ये बहुत अहम हिदायत है जो दी गई है कि देखिए ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है और अल्लाह ताला ने अता की है, इंसान अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं होता, ना अपनी मर्ज़ी से पैदा होता है ना अपनी मर्ज़ी से मरता है, तो इंसान को अपने वजूद पर कोई इख्तियार हासिल नहीं है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। और हयात ज़ाहरी बात है कि ये तो जदीद आदमी का तसव्वुर है कि लाइफ जो है वो एक अंधी बहरी कुव्वत है, ताकत है, जोश हयात, कुव्वत हयात, जिसकी वजह से इंसान पैदा होता है और मरता है। तो हम तो ये मानते हैं कि अल्लाह है, इस कायनात के पीछे एक खालिक है, एक हस्ती है जिसने इस कायनात को भी खल्क किया है, वमा फ़ीहा,
और जो कुछ इस कायनात में है उसको भी उसी ने खल्क किया है। तो कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है, ये फैसला कि उसको पैदा होना है या नहीं होना ये भी अल्लाह का है, फिर पैदा होने के बाद कितना जीना है ये भी अल्लाह का है, और कब यहाँ से रुखसत होना है ये फैसला भी अल्लाह ही का है। और ये तो देखें, इंसान के बारे में कहा जाता है, पुराने फ़लासफ़ा और मुतकल्लिमीन इंसान के बारे में एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते थे कि इंसान और बल्कि जो भी मासिवल्ला है वो मुमकिनुल वजूद है, अल्लाह वाजिबुल वजूद है, मासिवल्ला मुमकिनुल वजूद है। वाजिबुल वजूद वो होता है जिसका होना ज़रूरी हो, जिसका होना लाजमी हो, जिसका ना होना मुमतने हो, नामुमकिन हो। और जो मुमकिनुल वजूद होता है उसके यहाँ अदम और वजूद बराबर होते हैं, यानी वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। एक वक्त था वो नहीं था, एक वक्त होगा वो वजूद में आएगा, और फिर एक और वक्त आएगा कि वो अपने वजूद से हाथ धो बैठेगा और कोई और आलम में उसको दोबारा उठाया जाएगा। तो इसीलिए सूरह मुल्क हम पढ़ते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन भी फरमाई है इसको पढ़ने की। तो उसकी इब्तिदा कहाँ से होती है, दूसरी उसकी आयत क्या है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो अल्लाह जिसने मौत और ज़िंदगी को खल्क किया, मौत का तस्करा पहले है। तो पैदा होना ना होना तो ज़ाहिरी बात है कि मुमकिन है कि आप पैदा हों, मुमकिन है कि आप पैदा ना हों, लेकिन पैदा हो गए तो मौत बहरहाल यकीनी है, मरना बहरहाल है, इंसान को सबको इस दुनिया से जाना है। एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके फ़रमाया, इन्नका मैयतुन व इन्नहुम मैयतून। ए नबी, आपको भी इस दुनिया से रुखसत होना है और ये जो आपके मुखातबीन हैं, जो आपके मदऊईन हैं, इनको भी मरना है, इनको भी मौत आनी। तो कहा कि किसी अगली रिवायत में ना, किसी तकलीफ़ की वजह से नहीं, यानी मौत की तमन्ना ना करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन ताल उम्रुहु व हसन अमलुहु। तुम में बेहतरीन शख्स वो है कि जिसकी ज़िंदगी लंबी हो और जिसके आमाल खूब हों, अच्छे हों। और इसके बरक्स भी बात आपने फरमाई कि व शर्रुकुम, तुम में सबसे बदतरीन कौन है, मन ताल उम्रुहु व सा अमलुहु, कि जिसकी ज़िंदगी लंबी है और उसके अमल जो है वो कोताह हैं, कम हैं, बुरे हैं। तो यहाँ फरमाया कि भाई तुम दो ही हालतों में होगे, अगर तुम भले हो, नेक आदमी हो, अच्छे आदमी हो, अल्लाह की बंदगी करने वाले हो, अल्लाह ताला ने जो हुकूक अपने मुतायन किए हैं वो भी अदा करते हो, और अल्लाह ने जो अपने बंदों के हुकूक मुतायन किए हैं उनको भी जो है अदा करने की अपनी सी पूरी कोशिश करते हो, तो जितना ज़्यादा जियोगे उतना ज़्यादा नेकियाँ जमा करो। एक साहब दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए एक सहाबी, और कुछ हफ्ता दस दिन बाद एक और सहाबी भी दुनिया से चले गए। तो किसी ने कहा तासुर में कि जो दूसरे साहब हैं इन्होंने भी वही मर्तबा पा लिया, अपने भाई का मर्तबा जो एक हफ्ते दस दिन पहले यहाँ से गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आपने फरमाया कि भाई वो हफ्ता कहाँ गया जो उसने और नेक आमाल किए, यानी ये एक हफ़्ता और जिया है ना, एक हफ़्ता और जिया है तो एक हफ़्ता और अल्लाह की बंदगी की नमाज पढ़ी होगी, जिक्र किया होगा, ठीक है, कोई दावत का काम किया होगा, कोई लोगों के हुकूक अदा किए होंगे। तो इस लिहाज से तो लंबी ज़िंदगी एक ब्लेसिंग है कि इंसान जो है वो ज़्यादा देर जिए और ज़्यादा नेकियाँ जमा करे, अपने आमाल नामे को जो है ज़्यादा लंबा करे, अपने मीज़ान के जो पलड़े हैं उनको भारी करे। तो कहा कि अगर तो नेक आदमी है तो मज़ीद नेकी कमाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता वो बुरा आदमी है तो हो सकता है कि अभी उसको तौफीक नहीं मिल रही, अभी वो बुराइयों में पड़ा हुआ है, हो सकता है ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आए, कोई ऐसी तब्दीली आए कि इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे और अपने गुनाहों से जो है वो तौबा तायब हो जाए। तो हर दो सूरत में इंसान के लिए मुनासिब नहीं है कि वो मौत की तमन्ना करे। अगली रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ला तमन्ना अहदुकुमुल मौत, देखो तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना न करे, वला यदउ बिही मिन क़ब्ल अन यातिया, और इससे पहले कि मौत आए तो मौत को पुकारे नहीं, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती, मैं मर क्यों नहीं जाता, इस तरह के अल्फाज लोग कहते हैं। क्यों?
इन्नहु इज़ा माता इन्क़ता अमलुहु, कि बात यह है कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उसका अमल उससे मुनक़ता हो जाता है। व इन्नहु ला यज़ीदुल मुमिन उम्रुहु इल्ला खैरा, और मोमिन के हाँ उसकी ज़िंदगी इजाफ़ा नहीं करती, यानी उसकी उम्र इजाफ़ा नहीं करती मगर खैर में। देखिए ये कुरान मजीद जो है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है या पूरा दीन जो है वो किस चीज़ पर खड़ा हुआ है, वो इस पर खड़ा हुआ है कि इंसान को फ्री विल हासिल है, इंसान को इख्तियार हासिल है, जिसको ह्यूमन एजेंसी बोलते हैं। इंसान के पास फ्री विल है, तो इंसान जब तक जीता है उसकी फ्री विल भी है, उसकी एजेंसी भी है, और जब वो मर जाता है तो उसकी ह्यूमन एजेंसी ख़त्म हो जाती है, इरादा ख़त्म हो जाता है, अमल ख़त्म हो जाता है। हाँ, कुछ आमाल ऐसे हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कर जाता है, उसकी आप कह लें इम्प्लीकेशंस होती हैं, उसके कुछ तकाजे होते हैं, उसके कुछ असरात होते हैं, वो मरने के बाद भी जारी रहते हैं। मशहूर हदीस है कि इंसान जब फौत हो जाता है इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलास, जब इंसान मर जाता है उसका अमल उससे मुनक़ता हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के। वहाँ पर भी अमल तो बहरहाल मुनक़ता हो गया, फरमाए रहे हैं कि उस अजर का जो मामला है वो मुनक़ता नहीं होता। यानी या तो ये है कि इंसान की कोई नेक औलाद हो, उसकी तरबियत उसने की है, वो उसके लिए दुआ करती है, इंसान ने किसी को कोई सालेह नेक नाफे इल्म सिखाया है जिस पर लोग अमल कर रहे हैं, आगे सिखा रहे हैं, या इंसान ने कोई ऐसा काम किया है जिसको सदक़े जारिया कहते हैं, लेकिन वो भी क्या है अपनी ज़िंदगी में अपने माल से वो काम कर गया, कोई वक्फ़ बना गया, ठीक है, कोई इमारत बना दी कि भाई इसका किराया जो है वो किसी मदरसे को या किसी जो है दीनी खिदमत के काम में जो है वो लगा रहे, कोई हस्पताल है वहाँ एक वार्ड बनवा दिया, ठीक है, कोई और इस तरह का मामला है, कोई यतीम बच्चों की सरपरस्ती का कोई मामला कर दिया, कुछ जो है बच्चों की तालीम का मामला कर दिया, अपने माल में से कुछ कर गया वो। तो अब उसके मरने के बाद भी जब तक वो चीज़ चलती रहेगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई उसने सराय बनवा दी, उसने कोई नहर खुदवा दी, उसने कोई कुआं खुदवा दिया, उसने कोई पुल बनवा दिया, उसने कोई मुसहफ मुरतब कर दिया, ये भी बहुत अहम बात है। आज तो ये बात हमारे लिए बड़ी अजीब सी बात है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके फरमा रहे थे पूरा कुरान कंपाइल्ड हालत में चंद ही लोगों के पास था, इनफरादी कॉपीज़ थी, तो ये बात कि एक आदमी ने पूरा कुरान हाथ से खुद लिखा या लिखवा दिया और वो छोड़ के दुनिया से चला गया, वो तो सदका जारिया है ना, बहुत बड़ी बात है। आज तो हम कंसीव नहीं करते, हर हर घर में जो है वो बीसियों कुरान मजीद पड़े होते हैं, हर मस्जिद में सैकड़ों कुरान पड़े होते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये भी बड़ी बात थी कि आप कुरान मजीद का कोई नुस्खा मुरतब करके छोड़ जाएँ जब तक लोग उसको पढ़ते जाएँ। आज भी इसकी अहमियत है, आपको मालूम होगा लोग हरमैन जाते हैं, वहाँ इर्द गिर्द बहुत सी दुकानें भी हैं, पहले तो वहाँ पर वो जो है फेरी वाले खांचे वाले भी खड़े होते थे स्टूल लगा के, और बिल्कुल वो जो हरम में अप्रूव्ड वाला होता है ना मकतबा जो फहद वाला है उसके मुसहफ़ वहाँ से मिलते हैं, तो मर्द व ख़वातीन वो ख़रीदती हैं, उस पर फिर मुहर लगवाती हैं वक्फ़ की, और फिर हरमैन में जाके वो रख देते हैं, और ज़ाहरी बात है बहुत से ऐसे वो उठवा भी देते हैं, चूँकि ज़ाहरी बात है उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि वो ख़ास तरह के और ख़ास अंदाज में होते हैं, लेकिन बादल वो भी एक शौक़ है ना कि भाई हम इतने कुरान मजीद जो है वो मस्जिद नबवी में या मस्जिद हराम में रखवा दें और लोग आएँ इसको पढ़ें, हमें इसका सवाब मिलता रहे। तो बादल यहाँ पर भी अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि इंसान को चाहिए कि मौत की तमन्ना ना करे, क्यों ना करे, इसी वजह से ना करे कि इंसान को हदीस होना चाहिए, खैर का हिदायत का हदीस होना चाहिए, जब इंसान मर जाता है उसके अमल का रिश्ता उससे मुनक़ता हो जाता है, और मोमिन का मामला तो ये है कि वो उसकी ज़िंदगी उसकी उम्र उसके खैर ही में इजाफ़ा करती। एक और जो है वो रिवायत है इमाम अहमद बिन हम्बल ने किताबु ज़ुहद में नकल की है कि रिवायत में फरमाया गया कि ला ततमन्नवुल मौत, कहा कि मौत की तमन्ना ना करो, फ़इन्ना हौलल मतलई शदीद। एक तो मौत की तमन्ना इस वजह से भी करनी ठीक नहीं है कि मौत का मामला बहुत सख्त है, अदहा व अमर, इस तरह दुनिया की मौत बहुत सख्त मामला है, इसी तरीके से हर इंसान की मौत बहरहाल एक तकलीफ़ दे अमल है, यानी वो कोई आसान अमल तो नहीं है। फिर ज़ाहरी बात है कि मौत में अपनों से जुदाई का भी एक सदमा होता है, वो भी एक परेशानी होती है, उनके हवाले से भी कंसर्न इंसान को होते हैं,
तो कहा कि भाई ये जो मौत का जो हॉल है ना वो बहुत ज़्यादा है। वइन्न मिन सआदतिल अब्दी अन यतूल उमरुहु व यरज़ुकुहुल्लाहु इनाबा, और ये इंसान की सआदत में है, ये उसकी खुशबख्ती में है कि उसकी ज़िंदगी लंबी हो और अल्लाह ताला उसको इनाबत अता फ़रमाए, रुजू अता फ़रमाए, यानी इंसान जितनी देर रहे, जितना वक्त गुजारे, उतना गोया वो अल्लाह की बंदगी और करे, अल्लाह की तरफ रुजू और करे। अगली रिवायत है जिसमें वो इस्तिस्ना बयान कर दिया गया। इन शुरू में इमाम साहब ने तर्जुमतुल बाब कायम किया ना, अभी तक हमने पढ़ा है कि मौत की तमन्ना नहीं करनी, और फिर अब अगली रिवायत है इसमें बताया गया किस सूरत में तमन्ना करनी जायज़ नहीं है और किस सूरत में करना रवा है या मुबाह है। सैयदना अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यतमन्नयन अहदुकुमुल मौत लिज़ुर्रिन असाबहु, तुम में से हरगिज़ हरगिज़ किसी शख्स को मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए किसी तकलीफ़ की वजह से जो उसको पहुँचती हो। यानी इंसान पर, यानी इंसान की एक ही एक खेत था, उसका वो खेत जो है वो आसमानी बिजली आई और जल गया, कोई फैक्ट्री थी उसमें आग लग गई, एक अकलौता बेटा था वो दुनिया से चला गया, या जिस्म में कोई ऐसी बीमारी आ गई कि जिस्म गल सड़ गया। तो अब इंसान कहे कि अल्लाह से कहे, अल्लाह बस अब तू मुझे उठा ले, अब मैंने जी के क्या करना है, और मेरे पर इतनी तकलीफ़ आ गई है, इतनी मुसीबत आ गई है कि अब मैं जी नहीं पाऊँगा। और इसी तरह के कुछ केसेस होते हैं नौजवानी में भी और में भी, जहाँ इंसान इतना ज़्यादा मायूस हो जाता है कि गोया अल्लाह ही का इनकार कर देता है, और बार बार ये सवाल उठाता है कि मेरे साथ खुदा ने ये क्या किया। कहते तो ये थे, सुना तो हमने ये था कि बड़ा ही रहीम है, शफीक है, 70 माओं से ज़्यादा जो है वो मोहब्बत करने वाला है, लेकिन ये जो मेरे साथ हुआ है ये इनकंसीवेबल है। यानी आप देखिए ना, जलजला आया था 2005 का, और उसमें जो है मुजफ्फराबाद में भी, बालाकोट में भी कई स्कूल ऐसे थे बच्चों के, छोटे बच्चों के, कि वो पूरे स्कूल उनका कब्रिस्तान बन गए। यानी कोई वालदैन है, उनके तीन बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, और तीनों बच्चे ख़त्म हो गए। तो अब ईमान इंसान के अंदर होगा तो वो सस्टेन कर सकता है ना। तो ऐसे लोग थे वहाँ, ऐसी मिसालें थीं कि वो मुर्तद हो गए लोग। उन्होंने को रमज़ान का महीना था, रोज़े नहीं रखे, कहा कि जी माज अल्लाह हम ऐसे खुदा को नहीं मानते, या हम जो है वो हम रोज़ा रखें, हम उसकी बंदगी करें, माज अल्लाह उसने हमारे बच्चे मार दिए। तो ये होता है, यानी प्रॉब्लम ऑफ ईवल जो है और प्रॉब्लम ऑफ पेन एंड सफरिंग आसान नहीं है। आज भी इल्हाद का सबसे बड़ा जो हथियार है वो ये है कि इतनी तकलीफ़ क्यों है, इतना पेन क्यों है, क्यों इस तरह बच्चे मर रहे हैं, क्यों इस तरह जवान मर रहे हैं, क्यों इस तरह मौत आम है। तो ये क्या है, लिज़ुर्रिन असाबहु, कोई तकलीफ़ आ गई, कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, और इंसान ने अपने रब को छोड़ दिया। और इसी वजह से जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं वो अपनी जान ले लेते हैं। तो ये जो लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ख़ुदकुशी करते हैं, मरने से पहले वो अल्लाह का इनकार करके मरते हैं। इसी वजह से उनके बारे में जो रिवायात है बहुत सख्त है ना, कि भाई जिस तरीके से उसने अपनी जान ली होगी जहन्नुम में, वो मुसलसल उसी तरीके से मरता रहेगा। यानी अगर उसने जहर पी के जान ली थी, या अपने आप को जो है पहाड़ से गिरा कर थी, तो बस जहन्नुम में सज़ा यही होगी कि इनफिनिटन, और उस मुस्तकिल जो है वो बार बार ऊपर से गिरेगा, ख़त्म होगा, फिर ये उठाया जाएगा, फिर गिरेगा। अब ये वाली खुदकुशी कौन सी है, ये वो वाली है जो इंसान अल्लाह का इनकार करने के बाद अपनी जान लेता है। तो कहा कि भाई इस तरह ना करो, क्योंकि तकलीफ़ आ गई, मुसीबत आ गई, और तुम कहो कि अल्लाह तुम मुझे उठा ले अब, और मैं तो ये सह नहीं सकता, मुझसे तो एक बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, अगर तुम ये समझो कि भाई कोई आजमाइश का मामला है और कोई ऐसे हालात हैं कि जो मुश्किल होने वाले हैं, जैसे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने के दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी थे, इतनी बड़ी सल्तनत, लेकिन फिर आखिरी उम्र में जब शहादत से पहले कभी ऐसा होता था कि एकदम ज़मीन पर लेट जाते थे और कहते थे कि अल्लाह उम्र जो है वो बूढ़ा हो गया है, उसकी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो गई हैं, उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, और उसके ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, तो अल्लाह इससे पहले कि कोई शर्मिंदगी का मामला हो और मैं इस इम्तिहान में नाकाम हूँ, अल्लाह तू मुझे उठा ले। ये एक ख़ास सूरत हाल है कि एक फितने को देखते हुए आदमी तमन्ना करे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर उसे कुछ कहना ही है, वो देखे कि भाई वो उसके लिए अरसा हयात तंग हो रहा है, तो क्या करे, फल यकुन, अल्लाहुम अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली,
ऐ अल्लाह तू मुझे जीता रख जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है, खैर है। व तवफ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरली, और तू मुझे मौत दे दे अगर मौत मेरे लिए बेहतर। बस दरख्वास्त पेश करें, यानी हम ये नहीं कहते ऐ अल्लाह तू बस ये कर दे, तू बस ऐ अल्लाह मुझे 100 साल तो ऐ अल्लाह तू लाजमन ज़िंदा रख, या ऐ अल्लाह बस तू मुझे अभी उठा ले, इस तरह न कहें। बस हम बंदे हैं, बंदों की तरह अल्लाह से मांगें कि ऐ अल्लाह बस तुझे मालूम है मैं तो खैर चाहता हूँ और तेरे हाथ में खैर ही खैर है, बियदिकल खैर। अगर तेरी इल्म और हिकमत में ये है कि मेरे लिए अभी और जीना खैर का बायस है तो मुझे जीता रख, और अगर जो है मेरे लिए इस वक्त मौत जो है खैर का बायस है तो मुझे उठा ले। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी एक दुआ में भी अल्फाज आते हैं कि इज़ा अवत इबादी का फितनतन, ऐ अल्लाह अगर तू अपने बंदों के लिए किसी बड़े फितने का इरादा फरमाए, फ़क़बिज़नी इलैका गैर मफ्तून, तो ऐ अल्लाह तू मुझे अपने पास उठा लेना, मेरी जान कब्ज़ कर लेना इस हालत में कि मैं गैर मफ्तून हूँ, मैं फितने में पड़ने से बच गया हूँ। तो यहाँ पर फरमाया अल्लाह के नबी ने कि तुम में से कोई शख्स किसी तकलीफ़ की वजह से जो उसको पहुँची है मौत की तमन्ना हरगिज़ न करे, अगर उसको कहना ही है तो ये कहे कि अल्लाह तू मुझे जीता रख जब तक कि ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है, और तू मुझे वफात दे दे जब वफात मेरे लिए बेहतर है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।